पलवल SPS इंटरनेशनल स्कूल में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लगभग 13 स्कूलों ने लिया भाग। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज ने अन्य स्कूलों से खेलने आए खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। इसके साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल रितु फैंसिस, समाजसेवी प्रदीप छावड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पलवल से हमारे पत्रकार नितिन शर्मा के साथ। सभी प्यारे बच्चों से कि आप सभी खेल की भावना से इस प्रतियोगिता को बड़े खुशी के माहौल में कहीं किसी के साथ कोई सभी कोचिज से सभी जो भी हमारे फिजिकल टीचर्स आए हुए हैं सभी से निवेदन है किसी भी बच्चे के साथ में कोई गलत चीटिंग ना हो जाए, किसी के साथ कोई ऐसा ना हो जिससे वो महसूस करे कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, यानी कि धोखा हो गया है। यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ में आप सब खेल को खेल की भावना से खेलें, एक दूसरे का सहयोग भी करें और एक जो अच्छा काम करता है, जो आगे निकलता है, उस खिलाड़ी को पूरे प्रोत्साहन के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और ये पहला प्रयास है पलवल के अंदर, सभी स्कूल मिलकर हम सभी साथी जो स्कूल संचालक हैं मिलकर ये इस प्रतियोगिता को आगे शुरू कर रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए जितना ईमानदारी से पहली बार मैं अपने कोचेज से और जो बाहर से आए हुए कोचेज हैं, जो इसका डिसीजन मेकर हैं, इसमें जो इसको आगे ले जाएंगे, तो निर्भर करता है पहले बार ईमानदारी जितनी आप डेवलप करोगे, जितना महसूस कराओगे कि कहीं किसी के साथ धोखा नहीं होगा, तो ये प्रतियोगिता आगे कंटिन्यूशन में आगे वर्षों में आगे जाएगी और इन बच्चों को आगे बढ़ने का, अपनी प्रतिभा को आगे लाने का मौका मिलेगा। तो मैं फिर उम्मीद करता हूँ सभी अपने कोचिज से एक निवेदन के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रतियोगिता को कराएं। किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत के साथ में कैसे भी कोई प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करें और पूरे सभी बच्चे पूरा आनंद लें इस प्रतियोगिता का। जो बच्चे आ गए हैं, आज पहला दिन ज्यादा एथलेटिक्स का है, स्विमिंग का है, जो भी गेम्स हैं वो आपको शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत सभी प्यारे प्यारे बच्चों। विद्यालयों से और इवन जैसे बताया गया फरीदाबाद से भी बच्चे इस मीट में भाग ले रहे हैं। SPS इंटरनेशनल स्कूल का ये अनूठा प्रयास है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ करके ये स्पोर्ट्स मीट कराई जा रही है। इसमें जैसे बताया भारद्वाज जी ने, मैं भी यही बताना चाहूँगा कि जो बच्चे देखो खेलते हैं तो दो टीमें जब खेलती हैं तो एक हारती है एक जीतती है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही टीमें जीत जाएं। तो जो बच्चा जिस स्पोर्ट्स में भाग ले रहा है, जिस खेल में भाग ले रहा है, वो उसको खेल भावना से ले और जो बच्चा जीतता है उसकी वो प्रेज करे ताली बजाकर, जो हार रहा है वो इसलिए क्योंकि खेल भावना यही कहती है कि जब जो जीत रहा है उसने हारने वाले बच्चे से ज़्यादा मेहनत की है। और इसमें हार जीत ऐसा कुछ नहीं होता, ये बच्चे की मेहनत पर है, आप लोगों की मेहनत पर है कि आपने कितना प्रयास किया है। जो बच्चा ज़्यादा प्रयास कर रहा है, उसने ज़्यादा मेहनत करी है, वो थोड़ा अधिक जीत जाता है और जिसने थोड़ा सा कम प्रयास किया है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो वो ये डिसीजन ले कि भी अगली बार जब मैं आऊँगा, अगली बार जब मैं करूँगा तो इसको इससे बेहतर करूँगा। तो इसीलिए आप इसको हार जीत को ऐसे मन पे भी ना लें कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं हार गया और ये ऐसे हो गया। तो आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे कि सभी बच्चे इसको खेल भावना से खेलेंगे कि अगली बार मैं और मेहनत के साथ तैयारी करके आऊँगा ताकि इसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकूँ या अपना दमखम जो है वह अगली बार दिखा सकूँ। तो मेरा सभी बच्चों को, सभी टीम्स को, जितने भी यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से टीचर्स आए हुए हैं बच्चों को लेकर, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी का ये है कि 3 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम में, 14 नवंबर तक चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी बहुत अच्छी तरह से भाग लेंगे, अच्छा प्रयास।